हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज लिमिट को कवर करेंगे, जो कि रिलेटेड रहेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, जिसमें आता है लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो इसका हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो लो वोल्टेज जो होता है नॉट एक्सीडिंग 250 वोल्ट, तो लो वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है कि 250 वोल्ट तक को हम लोग लो वोल्टेज बोलते हैं। जैसे कि जो घर में लाइट यूज होता है वो लो वोल्टेज ही रहता है। मीडियम वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट, तो 250 वोल्ट से अधिक और 650 वोल्ट तक को हम लोग बोलते हैं मीडियम वोल्टेज। जैसे कि इसमें ड्रग लाइन वगैरह चलता है मीडियम वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 33 kV, मतलब 33,000 वोल्ट हम लोग कह सकते हैं इसको। तो 650 वोल्ट से अधिक और 33,000 वोल्ट तक को हम लोग हाई वोल्टेज कहते हैं, जिसमें कि बकेट वेल एक्सकेवेटर चलता है 11,000 वोल्टेज से। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एक्सीडिंग 33 kV, मतलब 33,000 वोल्ट से ज़्यादा जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब हम लोग देख लेते हैं डेंजर नोटिस, जो कि हमेशा देखने को मिलता है कहीं भी सब स्टेशन पे जो डेंजर नोटिस लगा होता है। तो कहाँ पे लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यदि कहीं पे 250 वोल्ट से एक्सीड करेगा वोल्टेज, 250 वोल्ट से अधिक रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परमानेंटली सही पोजीशन में हम लोग डेंजर नोटिस लगाते हैं। जो डेंजर लिखा होगा वो हिंदी और इंग्लिश, और जिस डिस्ट्रिक्ट में लगेगा वहाँ का लोकल लैंग्वेज में वो रहेगा, और डेंजर साइन भी लगा होता है स्कूल एंड बोन्स का। तो आप लोग जान लीजिए इसको कि 250 से यदि अधिक रहता है तो वहाँ पे हम लोग डेंजर नोटिस लगाते हैं। तो लो वोल्टेज में हमेशा, जब से लो वोल्टेज जो घर में यूज होता है लाइट, वहाँ पे डेंजर नोटिस नहीं लगा रहता है। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज लिमिट को। तो इलेक्ट्रिसिटी शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू अ माइंस एट अ वोल्टेज एक्सीडिंग 11,000 वोल्ट एंड शैल नॉट बी यूज देयर इन एट अ वोल्टेज एक्सीडिंग 6600 वोल्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जो लाइट का ट्रांसमिटेड होता है माइंस में, वो 11,000 वोल्ट से अधिक का नहीं रहता है। मैक्सिमम 11,000 वोल्ट तक वहाँ पे ट्रांसमिट होता है, और जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम हम लोग, तो 6600 वोल्ट से अधिक का यूज नहीं करते हैं। और जहाँ हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे जो सर्किट का वोल्टेज रहेगा वो 125 वोल्ट से अधिक नहीं रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो लाइट वगैरह यूज होता है माइंस में उसके बारे में। तो जहाँ पे अंडरग्राउंड में लाइट यूज हो रहा है, तो वहाँ पे जो सर्किट रहेगा वहाँ का वोल्टेज 125 वोल्ट से अधिक नहीं रहेगा। वही सरफेस पर और ओपन कास्ट माइंस में जो वोल्टेज का लिमिट रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट, वो 250 वोल्ट से अधिक नहीं रहेगा। तो अंडरग्राउंड का मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट जो होगा लाइटिंग के लिए वो 125 वोल्ट है, और सरफेस और ओपन कास्ट माइंस के लिए वो 250 वोल्ट है। और जहां पोर्टेबल हैंड लैंप यूज हो रहा है अंडरग्राउंड माइंस में, वहां पे उसके सर्किट का वोल्टेज 30 वोल्ट से अधिक नहीं रहेगा। वेयर एनी सर्किट इज यूज फॉर द रिमोट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग ऑफ ऑपरेटर्स द सर्किट वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड 30 वोल्ट। तो कहने का मतलब यही है कि रिमोट कंट्रोल से यदि कोई सर्किट कंट्रोल हो रहा है रिमोट से, या इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग ऑपरेटर्स कोई है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा वो 30 वोल्ट से अधिक नहीं रहेगा। और कोई फिक्स्ड प्लांट है तो उसका जो सेट वोल्टेज रहेगा उसका परमिसेबल अप टू 650 वोल्ट है। तो 650 वोल्ट तक का वहाँ पे यूज होगा यदि हम लोग वहाँ पे वोल्टेज टाइप प्लग का यूज़ कर रहे हैं। जो वोल्टेज टाइप का मतलब यह है कि निकलने वाला नहीं है, तो अगर वोल्टेज टाइप प्लग का यूज़ कर रहे हैं तो 650 वोल्ट तक वहाँ पे परमिसेबल है। यदि ओवरहेड ट्रॉली वायर सिस्टम पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा ढुलाई की जाती है, तो उसका जो वोल्टेज लिमिट है वो 650 वोल्ट है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ से वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और माइनिंग प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।